मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसे सुनकर जरायम की दुनिया के कई बड़े बड़े अपराधी भी थर थर कांपने लगते थे, जो पूर्वांचल के लोगों के बीच दहशत का पर्याय माना जाता था। वो कैसे और किस केस से बना बड़ा अपराधी, आज जानिए एक ऐसे शख्स की जुबानी जो पूर्वांचल में ऐसे माफियाओं के लिए एक समय नाक में दम कर देता था। तो कभी जिला पुलिस UPCIG, कभी STF, तो कभी CBI में रहकर मुख्तार को छका देता। दरअसल मुख्तार अंसारी का सबसे पहले नाम चर्चा में आया सच्चिदानंद राय केस में। उस वक्त तक मुख्तार नोटिसेबल अपराधी नहीं था, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। उस वक्त मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी विधायक थे। फिर कैसी क्या हुआ, जानिए उस केस से जुड़े और उस वक्त के एक ऐसे अधिकारी की जुबानी जो अतीक से लेकर मुख्तार तक के लिए काल बनने लगा था। और उसे केस ने 1986 में मुख्तार को पहली बार बना दिया एक बड़ा अपराधी। दृष्टांत तो ये है कि मैं 86 में पन्नूगंज में थाना अध्यक्ष था मिर्जापुर जनपद के, तो अचानक एक दिन मुझे आदेश दिया गया कि आप पहुंचिए, SP गाजीपुर को रिपोर्ट करिए। 86 की बात है ये, तो हमारे SP ने आदेश किया। उस ज़माने में संचार तंत्र इस तरह से गतिशील नहीं थे। जब मैं रास्ते में मैंने अखबारों में देखा कि एक कोई सच्चिदानंद राय की हत्या हुई थी, जिसमें यहाँ जनता ने पब्लिक ने मांग किया था कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाए, मदद करने के लिए, और तब मैं उसके पूर्व में गाजीपुर में नौनहरा, जमानिया, सैदपुर, कैसमाबाद, सादियाबाद, इन थानों पर 2 वर्षों में ही 6-7 थानों पर थानाध्यक्ष था। मैं वहाँ गया तो रास्ते से ही मुझे पता लगने लगा था मुख्तार अंसारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। रहा हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो नोटिस में नहीं थे पुलिस के संज्ञान में कि ये बदमाशी कर रहे हैं, अपराध हैं। उनके भाई उस समय श्री अफजाल अंसारी जी विधायक थे कम्युनिस्ट के, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कम्युनिस्ट का ही प्रभाव था गाजीपुर जनपद में। मैं वहाँ गया तो हमें पता लग गया कि ऐसे ऐसे है, एक भीम सिंह करके अपराधी है जो कि इनका एसोसिएट है, उस समय वो करंडा क्षेत्र का रहने वाला था। तो भीम सिंह इनके साथ इस घटना में रहा है, और उसका भाई है जो कि ट्रेजरी में कुछ बाबू वाबू था, उसकी राइफल इन्होंने प्रयोग किया। हमसे उसी समय कहा गया कि SP और DM साहब ने कहा कि भाई कुछ एविडेंस इकट्ठा करिए, इसलिए ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, बिना एविडेंस के ऐसे नहीं कहा जा सकता होना। तो मैं फिर गया और जाके करंडा से उनके भाई को ले आया, राइफल उनके पास नहीं मिली। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मेरा भाई ले गया, तो मैंने ले आके SPDM को बताया कि देखिए साहब, राइफल अभी इन लोगों के पास है, लाइसेंसी राइफल है इनकी और इनके पास नहीं है। तो उसी समय हमको फिर तुरंत सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कहा कि मैं अगर मुख्तार अंसारी से 5 मिनट बात कर लूँगा तो ये केस खुल जाएगा। तो फिर निर्देश आ गया कि मुझे वापस लौट जाना है, अब इन्वेस्टिगेशन मदद नहीं करनी है। मुझे फिर पन्नूगंज वापस लौटा दिया गया। बाद में ये विवेचना शायद CBCID को चली गई और कुछ हुआ नहीं। ये मुख्तार अंसारी का आपराधिक इतिहास रिकॉर्ड्स में शुरू होने का पहला मामला था। तो इस तरह से ये लोग राजनीतिक प्रभावों का प्रयोग करके अपने विरुद्ध जो कानूनी ताकतें हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। किसी कभी ट्रांसफ़र कराएंगे, कभी इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफ़र कराएंगे, इसमें सब लोग मिले रहते हैं। तो अगर उस समय इनका रगड़ दिया गया होता, इनका फन कुचल दिया गया होता कानून की परिध में रह के, तो आज मुख्तार अंसारी प्रदेश को मुख्तार अंसारी जैसा माफिया नहीं मिलता। मानो धीरेन्द्र राय अतीक और मुख्तार के रिश्तों का भी खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि अतीक और मुख्तार दोनों की साठ गांठ चलती थी, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मुख्तार भी देखिए, मुख्तार और ये तो एसोसिएशन का था। देखिए शहाबुद्दीन के बारे में तो मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं, जो अखबारों में जैसे पढ़ लिख के जो कुछ भी है वो किया। मैंने ये तो इंटरकनेक्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इंटरकनेक्टेड हैं। इनका सब अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई जहाँ ये करेंगे वहाँ वो नहीं जाते हैं, वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जहाँ वो करते हैं वहाँ ये हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो धीरेन्द्र राय बताते हैं कि सच्चिदानंद राय हत्याकांड से पहले मुख्तार कानूनी तौर पर क्लीने में ज्वाला था, उसके खिलाफ ऑन रिकॉर्ड कोई केस नहीं था। हालांकि धीरेन्द्र राय को मलाल होता है कि अगर उस वक्त सियासी दबाव में उनका ट्रांसफर नहीं होता तो शायद मुख्तार को उसी वक्त रगड़ने में कामयाबी मिल जाती। धीरेन्द्र राय मुख्तार से जुड़े एक और चर्चित केस का जिक्र करते हैं, वो है रूंगटा केस। जब जनवरी 1997 को नंदकिशोर रूंगटा का अपहरण हुआ, उन्होंने रूंगटा एबडक्शन का भी केस किया। रूंगटा एबडक्शन में
जब स्टेट सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मैं उस समय इलाहाबाद सेक्टर में था। यहाँ के सेक्टर ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे एसोसिएशन के लिए धीरेंद्र राय को भेजा जाए। मैं इंस्पेक्टर ही था, केपी सिंह यहाँ के सेक्टर ऑफिसर थे, जो आईजी रिटायर हुए भी इलाहाबाद के आईजी थे। तो केपी सिंह ने मैं गया तो मैंने आगे इनसे कहा कि साहब इस समय इनकी सरकार में इनके संबंध हैं, अगर हम लोग इनके घर पर तलाशी ले लें तो इस एबडक्शन से संबंधित तो तमाम इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें मिल सकती हैं, इनको उम्मीद ही नहीं होगी कि सीआईडी भी हमारे यहाँ तलाशी ले सकती है। तो वो सहमत हुए मेरी बात से और एकदम उन्होंने एसपी से बात किया, जो उस समय एसपी थे, तो उन्होंने कहा आप डायरेक्ट डीजी साहब से बात कर लीजिए सीआईडी के। तो हम अपना वहाँ से घर के लिए चले गए, साहब मैं तैयार होकर आता हूँ, अगर आप कर लें तो फिर रात में हम लोग चले रेड के लिए अहमदाबाद। तो तब तक मैं घर पहुँचा, अभी वॉशरूम में ही गया था तब तक उनका फ़ोन आ गया, लैंडलाइन पर मेरी पत्नी ने उठाया, उन्होंने बताया कि हम बात करना चाहते हैं, निकलें तुरंत बात करें। जब मैं निकल के उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि धीरेंद्र राय जी मेरा ट्रांसफ़र हो गया और एसएसपी बनारस के यहाँ से खबर आई है कि आप अपना ऑर्डर यहाँ से कलेक्ट करा लीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो गया। हमने कहा आप फिर क्या करें, मुझे आपने बुला लिया। तो मैं रेंज के डीआईजी श्री रंजन द्विवेदी थे, वो भी बहुत अच्छे अफसर कहे जाएंगे, बहुत अच्छे अफसर थे, हम लोगों के साथ रहें। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप मेहनत करके किसी तरह से इसमें जो एविडेंस इकट्ठा कर दिए, इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन पता नहीं कब तक कौन करेगा कौन आएगा। मैं गाजीपुर गया तो उस समय ये हश्र हो गया था कि इनके ससुराल जाने को कोई तैयार नहीं हो रहा था, पुलिस का आदमी सिपाही सब इंस्पेक्टर जो भी था। मैं गया, जाके पता वता करके सब कुछ आया, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गई। फिर क्या हुआ मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी तरह का ये लोग अपना प्रभाव करके कुछ करके इस तरह करके लोग करते रहते हैं। मुख्तार अंसारी भी इतना आगे बढ़ गए, इतने बड़े अपराधी बन गए, अब इस समय सरकार ने उनके खिलाफ थोड़ा नकेल कसी है। आपको बता दें कि इस रूंगटा केस में 24 साल बाद 2021 में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय हुए थे। तो धीरेन्द्र राय के मुताबिक ये माफिया कभी सियासी संरक्षण तो कभी पैसे और दबाव के बल पर पुलिसिया मिली भगत से बचते बचते इतने बड़े बाहुबली और दहशतगर्द बन गए। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मऊ से दुर्गा सिंह किंकर की रिपोर्ट, यूपी तक।